अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और ये देखे खड़ी हुई है बरीरा बिल्कुल तैयार है, रेडी है और कितनी प्यारी लग रही है। ये मैंने आपको जो पूरा दिखाया है, तो बरीरा से बात करते हैं। बरीरा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बरीरा और आज हम लोग जा रहे हैं इम्तियाज़। और मम्मा को थोड़ा सा इम्तियाज़ में काम है, तो जब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे तब हम लोग आपको मिलेंगे। बरीरा क्या खा रही है? ये देखें, बरीरा पिज़्ज़ा खा रही है और हमने काफ़ी सामान भी दे दिया। तो फिर हमने बेटी अपने कप दिया और एक लिया है। मैंने घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी इसको, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हैं। तो अभी हम देख रहे हैं जो हमें पसंद आता जा रहा है, हम लेते जा रहे हैं। लेकर आ जाएंगे तो फिर हम घर में मिलते हैं। मैं इम्तियाज़ से आ चुकी हूँ, तो काफ़ी देर हो गई थी मुझे। तो सबसे पहले मैं ये आपको दिखा दूँ, ये बिरयानी लेकर आई हूँ, रोटी लेकर आई हूँ। और शमील को हलीम पसंद है तो हलीम लेकर आ गई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 9 बज गए, तो खाना बनाने में टाइम लग जाता। अच्छे इसको तो हटाओ ना, ये दूध और टिश्यू वगैरह है। और ये लेकर आई हूँ डिस्पेंसर में रखने के लिए, और मैं आपको दिखाऊँ उसको जाती हूँ। अच्छी रोटी रखने के लिए ये रोटी के कवर हैं, मैं आपको दिखाती हूँ खोल कर, मुझे अच्छे लगे थे। पहले भी मैं लेकर आई थी तो मेरे ख़राब हो गए थे, तो ये दो मिले, ये एक है तो मुझे अच्छा लगा, ये ले लिया मैंने। और ये भी, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, ये सब हो गया, ठंडी होती है प्लेटों में। तो ये इस तरह से रोटी रखने का बहुत प्यारा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दो लेकर आएंगे, एक ये ब्राउन कलर में, एक ये ब्राउन कलर में, एक गोल्डन और स्किन कलर में। और ये मैंने ये इम्तियाज़ से गिलास लिए थे, मैंने काफ़ी सस्ते मिले मुझे, 375 के 6 गिलास मिले मुझे, अच्छे लगे, देखें अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो काफ़ी सारे थे, चॉइस करना पड़ रही थी तो टाइम नहीं था, मैंने बस सिर्फ यही ले लिया 3। अब मुझे दुख हो रहा है, मैं ज़्यादा ले लेती, एक तो और ले लेती। और ये एनर्जी सेवर लेकर आई थी मैं, ये वाले 3 लिए हैं मैंने, ये टैंग रूम के लिए, 2 कमरों के लिए, तो वो मैंने लगा दी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये भी लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ गैस का बड़ा इशू है खाना गर्म करने के लिए, तो गैस भी चली जाती है 10 बजे के बाद। तो ये मुझे बहुत दिनों से लाने का सोच रही थी, तो मुझे बहुत पसंद आया, ये मैं लेकर आई हूँ खाना गर्म करने का। ये मैं आपको दिखाती हूँ खोल कर, ये इस तरह से खाना गर्म करने का, बहुत प्यारा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और उन्होंने मुझे दिखाया भी था, यहाँ से ये ऑफ होता है, ऑन होता है, ये देखें ऑफ लिखा हुआ है, और इसको इस तरह से ऑन होगा तो अच्छा हीट दे रहा था गरम करने के लिए। इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक लेकर आई हूँ मैं तो, और गोश्त वगैरह लेकर आई हूँ, ये तो मैंने बाद में मंगवाया है, ज़्यादा ये मेरे हस्बैंड देते चले गए थे, क्योंकि मैं बीफ बिरयानी और कौरमा बनाऊँगी, ये चिकन है, ये सारा बीफ है, और फिर और अभी बाकी राशन आ रहे हैं, और मीठा बनाऊँगी, तो ये सारी चीज़ें बनाऊँगी, और मैं बाकी चीज़ें रख रही हूँ, ये सारी चीज़ें। और अब हम निकालेंगे खाना, और खाना निकाल के हम खाना खाएंगे, फिर खाने के बाद हम आपसे बाद में मिलते हैं। जी तो हमने खाना वाना खा लिया, ये मैं प्लेटें उठा रही हूँ, और ये किचन में बदीरा, ये मेरी हेल्प करवाना, ये लेकर आना बदीरा, ये चलो ये आप लेके चलो, मैं ये उठा लेती हूँ। और ये किचन में लेके जा रही हूँ, किचन में रखूँगी। और जफ़ी से बोलो ये कैन रखे, ताकि मैं ये बोतलें खा ली, ये बोतलें भी भरूँगी। और मैं किचन में, सॉरी, मैं डीप फ्रीजर से चिकन निकाल लेती हूँ। ये हमारी किचन, सॉरी, चिकन किचन का चिकन
या हेयर चिकन निकाल ली है और इसको जब तक मैं वॉश करती हूँ अच्छी तरह से खूब, और फिर इसको मैरिनेट करने के लिए रखूँगी। ये मैं किचन में लेके जा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से धोऊँगी। धोने के बाद फिर मैं इसको मसाला लगाऊँगी। मसाला लगा के फिर मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से मसाला लगाऊँगी। फिर जब मसाला लगाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैंने मसाला लगा लिया चिकन में और ये अब दही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी रेसिपी पहले आपको चिकन टिक्का की बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया है, बस मसाला लगाते हुए दिखाया मैंने। ये मैंने दही भी डाल दिया है और ये अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं ओवरनाइट रख दूँगी और मैरिनेट करने के लिए फिर कल इसको मैं ओवन में बनाऊँगी। और ये देखिए नीचे सारा सामान फैला हुआ है, हमारा राशन का सामान आया ही सारा, इसीलिए सब पूरा फैला हुआ है सामान से। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे ब्लॉग को नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।